अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में गर्मा गर्म चिकन लॉलीपॉप, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल के मिल जाएं तो बात ही क्या है। तो देर किस बात की है, हम आपके लिए चिकन लॉलीपॉप घर पर ही बनाते हैं और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें इस तरह के चिकन के हड्डीदार पीस लेने हैं। इन्हें लॉलीपॉप किस तरह बनाएंगे तो हम आपको बताते हैं। ऊपर से हड्डी पकड़ लेंगे और जो इस पर गोश्त लगा है यानी मीट लगा है वो सब नीचे को काट कर कर देंगे। देखिए इस तरह। आजकल बाज़ार में भी चिकन लॉलीपॉप के फ्रेश पीस पैकेट में आसानी से मिल जाते हैं, आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। नहीं तो जिस तरह मैंने हड्डीदार पीस के शेप दिया है लॉलीपॉप का, आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये सारे चिकन लॉलीपॉप के शेप तैयार हो गया है। अब मैं इनमें मसाले डालूँगी। तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे चिकन के 10 पीस हैं। इधर मैं एक अंडा तोड़ लेती हूँ बाउल में और उसे फेंट लूँगी। फेंट कर अंदर डालने से चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 30 मिनट बाद चिकन में हम डालेंगे 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून मैदा। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। अब हमने अंडा जो फेंट कर रखा था उसे डाल देंगे। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और तीखा पसंद हो आपको तो इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे यानी हाई रखेंगे और तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे और इस तरह चिकन के पीसों को घुमा घुमा कर डालेंगे ताकि नीचे ये चिपके नहीं। देखिए इस तरह हम चिकन के पीसों को डालेंगे। स्लो फ्लेम पर ही हमें चिकन के सारे पीस फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी बनाना है। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो ही रखें। इसे फ्राई करने में आपको कम से कम 6-7 मिनट आसानी से लग जाएंगे। चिकन के पीसों को दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो हम इन सारे पीसों को पलट देंगे। यहाँ हमारे चिकन के सारे पीस फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। सबको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैं एक बार आपको और बता दूँ कि इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। अब हम सॉस तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून लहसुन, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून प्याज जो हमने बारीक काट ली थी, या आप इसे ग्रेट करके भी डाल दें। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून रेड चिली सॉस या शेजवान सॉस हो तो आपके पास वो भी डाल दें और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और थोड़ा सा मिलाकर मिक्स करके इसे भून लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, और डालेंगे टोमेटो सॉस, मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर, हमने 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में घोल कर रखा था वो डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन के सारे पीस जो हमने फ्राई करे थे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और स्लो फ्लेम पर ही चिकन को अच्छे से सॉस के साथ पका लेंगे और ऊपर से डाल देंगे हरी प्याज बारीक काट कर। हरी प्याज डालकर इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी सॉस और चिकन के पीस अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते और चिकन के पीस अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। देखिए इस तरह
कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए हमारे चिकन के पीस इससे क्रिस्पी हो गए। तो हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लॉलीपॉप बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। सब लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे जब आप इसे घर पर ही बनाएंगी। तो आपने देखा होगा इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को तो आपने मेरे सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।